हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल लता ऑल इन वन। मैंने आज बनाया है ये परवल आलू की भाजी। ये परवल आलू की भाजी सिंपल वे में मैंने बनाया है। इसको आप अगर गरम गरम राइस के साथ थोड़ा घी डाल के अगर खाएंगे तो इतना यम्मी और टेस्टी लगेगा कि आपके पेट ही नहीं भरेगा, आप इतना खाओगे। तो चलिए ये भाजी मैं बनाना आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। आलू लिया है मैंने, 2 मीडियम साइज आलू लिया है। इसको पील करके मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, पतले पतले तरीके से, आप देख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने परवल को पील किया है, एकदम पूरा पील नहीं किया। इसके जो ऊपर का परत है उसको हल्के से मैंने स्केच कर लिया है। अब मैंने इसको धो के इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। ऑनियन लिया है, 2 मीडियम साइज ऑनियन लिया है, 1 कप ऑनियन और 6-7 ग्रीन चिल्ली लिया है मैंने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं 5 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। इस भाजी में थोड़ा ऑयल लगता है ज़्यादा। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये आलू मैं डाल दूंगी। इसको मैंने पील करके अच्छे से धो के और पानी अच्छे से छान लिया है कि जब मैं ऑयल में डालूं तो इसका पानी ना निकले। तो अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूंगी। थोड़ा पानी जितना इसका निकलेगा वो पानी सूखने तक मैं फ्राई करूंगी। आलू से जो एक्सेस पानी निकलना था वो निकल के सूख गया है। अब मैं इसमें परवल डाल दूंगी और ये परवल आलू को एक साथ मैं अभी फ्राई करूंगी। इसको मैं हाई फ्लेम में ही फ्राई करती रहूंगी, लो फ्लेम अभी नहीं करूंगी। और इसको मुझे थोड़े थोड़े देर में चलाना है कि नीचे लग ना जाए और जल ना जाए। हल्दी डाल दूंगी, 1/2 टेबल स्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये नमक और हल्दी उसी टाइम डालना है जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए। इससे पहले, अगर फ्राई होने से पहले अगर आप नमक और हल्दी डाल देंगे तो नमक के पानी से ये चिपक जाएगा। अच्छे से फ्राई होने के बाद नमक और हल्दी डालने से अच्छे से और क्रंची फ्राई होता है। नमक हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब गैस में लो फ्लेम कर दूंगी और लो फ्लेम में अब ये भाजी मैं बनाऊंगी। अब मैं इसमें ग्रीन चिल्ली डाल दूंगी। भाजी अभी फ्राई हो गया है और ये पक गया है। अब मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी। ऑनियन मैं इसीलिए अभी डाल रही हूँ क्योंकि ऑनियन को मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा फ्राई अगर ऑनियन करेंगे तो कड़वापन लगेगा। तो जब भाजी ऐसे बन जाए और जैसे उतारना है उसके 2-3 मिनट पहले आप ऑनियन डाल दो और फिर उसको थोड़ा फ्राई कर लो। तो मैं ऐसे अभी 2-3 मिनट फ्राई कर लूँगी।
अब मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैं थोड़ा तीखा खाना पसंद करती हूँ इसीलिए मैं रेड चिल्ली पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ और इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इससे कलर भी अच्छा दिखता है, आप देख सकते हो। अब ये भाजी बन गया है, अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। तो परवल आलू की भाजी बनके तैयार है। इस तरीके से आप भाजी बना के देखिए और गरम गरम राइस और घी के साथ खा के देखिए। फिर आपको दूसरी कोई सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप इसके साथ खा के ही आपका पेट भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा। तो आप लोगों को अगर ये भाजी की रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।